सिकटिया जो ये गंडक का बांध आप लोग देख रहे हैं, ये दूसरा वीडियो है हमारा। हम ये वीडियो बना रहे हैं 7 अक्टूबर 2022 को, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गंडक बांध के गंडक बांध पे ही एक स्विलिश गेट है। अब ये स्विलिश गेट के अंदर से पानी पूरी तरीके से बहाव कर रहा है। आज सुबह 5 बजे के आसपास से, यानी 7 अक्टूबर की सुबह 5 बजे के आसपास से, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो ग्रामीण है वो पूरी तरीके से युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। ये दूसरा वीडियो मैं आप लोगों को सुपुर्द कर रहा हूँ, और जो प्रशासन है वो भी अब लग चुका है। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं जेसीबी द्वारा ईंट वगैरह गिराया जा रहा है उस स्विलिश गेट में, ताकि स्विलिश गेट को पहले की तरह जाम कर दिया जाए। स्विलिश गेट हो सकता है कि इसमें किसी भी तरह से होल हो गया था, और होल होने की वजह से जो है वो पूरी तरीके से जो गंडक का पानी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है सुबह 5 बजे से ही। और यहाँ पे जो है वो आला अधिकारी भी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ग्रामीणों की बहुत ही यहाँ पे योगदान है इस बांध को यहाँ पे देखिए जाम करने में, ग्रामीणों का बहुत बड़ा योगदान है। और बोरे वगैरह यहाँ पे लाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से इसको जाम किया जा रहा है। हालांकि पहले की अपेक्षा जब हम 2 घंटा पहले वीडियो बनाए हुए थे तो काफी यहाँ पे जो है वो पानी का बहाव तेज था, और अब फिलहाल जो है यहाँ पे पानी का बहाव जो है ग्रामीणों द्वारा यहाँ पे जाम किया जा रहा है। बोरे पे बोरे रखे जा रहे हैं, और किसी भी तरह से इस पानी के बहाव को अभी फिलहाल की परिस्थिति में, जबकि हम ये 1 बजे दिन में 7 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहे हैं, सुबह की अपेक्षा अभी फिलहाल जो पानी का बहाव है वो बहुत ही कम हो चुका है। आप लोगों से मेरा निवेदन होगा, या जो भी हमारे यहाँ से रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया बंद हुआ है, कि किसी भी प्रकार की वो पब्लिक में दहशत न फैलाए, किसी भी प्रकार का वो भ्रम न फैलाए, जो हकीकत है उसी को बयां करे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुझे लगता है कि कुछ देर में, यानी 2 से 3 घंटे में इस स्थिति को पूरी तरीके से संभाल लिया जाएगा। और पानी का बहाव हालांकि अभी भी है, लेकिन जो ग्रामीण है, ग्रामीणों को इसके लिए जितनी भी शाबाशी दी जाएगी उतनी कम है। ग्रामीण यहाँ पे जो वहाँ पे आप लोग बोरे पे देख रहे हैं वो सो गए थे वहाँ पे, ताकि जो धाराएं हैं वो धीमा हो जाए। लेकिन जो यहाँ पे सरकारी कर्मी है उनकी बड़ा उदासीनता यहाँ पे देखने को हमें मिली है। वो लोग अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के सिविल SDO साहब हैं उनका कहना है कि हम इस पे अति तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो बोरा है यहाँ पे भर कर लाया जा रहा है, इसमें बालू के बजाय मिट्टी ही भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बालू के बजाय, लेकिन खैर अब आपाधापी में किसी भी तरह से इसको जाम करना है, इस बांध को किसी भी तरह से बांधना है। अब JCB से इस स्विलिश गेट में ईटा पत्थर मिट्टी गिराया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस स्विलिश गेट के मुहाने को बंद किया जा सके। अगर ये मुहाना जल्द से